हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स के इन दोनों क्वेश्चनों का सलूशन देखेंगे जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। क्या क्वेश्चन गिवेन है? द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन ये बी होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र। द मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय फ्लक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आयरन कोर, कोई आयरन कोर है इसके भीतर जो बी गिवेन है ऑफ एन इलेक्ट्रो मैग्नेट आर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी हमें गिवेन है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड इसके भीतर दो टर्म हमें गिवेन है, मैग्नेटिक इंडक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हम लोग जानते हो क्या होते हैं बच्चों? एच होता है। तो एच हमें गिवेन है, एक और होता है आई, वो मैग्नेटाइजेशन होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब एच गिवेन है। क्या बच्चों? ये भी इंटेंसिटी होता है लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। तो एच हमें गिवेन है कितना? 150 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, हमें फाइंड करना है। अगेन मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आयरन कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों टर्म हमें समझना है कि जो आयरन कोर होगा इसके भीतर जो बी गिवेन है मैग्नेटिक फ्लक्स, वह 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर गिवेन है, और जो इसके भीतर मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवेन है वो कितना गिवेन है? 150 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहे म्यू आर की वैल्यू कितना होगा, इसके भीतर हम लोग लिखना जानते हैं म्यू आर कितना होता है बच्चों। कैसे लिखते हैं? बी इक्वल टू म्यू इंटू एच लिखते हैं। क्या बच्चों? लेकिन म्यू तो हमें फाइंड नहीं करना है, म्यू आर फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट। म्यू अपान क्या होता है? म्यू नॉट। तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा म्यू। तो बी की वैल्यू जो गिवेन है 1 गिवेन है, म्यू के प्लेस पे म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिख देते हैं, एच की वैल्यू 150 गिवेन है। क्या बच्चों? इसको हम चाहें तो पहले लिख लें, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू आर म्यू नॉट इंटू कैपिटल एच। तो हमें म्यू आर का कैलकुलेशन करना है, तो म्यू आर यहाँ से कितना हो जाएगा? म्यू आर इक्वल टू बी अपान ए हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच। बी की वैल्यू हमें गिवेन है 1, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻¹, और एच की वैल्यू कितना गिवेन है? 150 गिवेन है। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें म्यू आर की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवेन है, वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे? कह रहे ए डोमेन ऑफ ए डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इन द क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 माइक्रोमीटर। कह रहे कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसमें कोई डोमेन गिवेन है। डोमेन का मतलब जिसमें सभी एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, एक एटम है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर इधर है तो इसका भी इधर हो, जितने भी इसके भीतर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होंगे उन सभी के डायरेक्शन क्या आ जाए बच्चों? सेम हो जाए। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के भीतर डोमेन बने होते हैं और बहुत सारे डोमेन होंगे, और एक डोमेन में जितने भी एटम होते हैं उन सभी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। क्या होता है बच्चों? एज्यूम कर लिया जाए, एक बड़ा क्यूब बना लें, एक क्यूब मान लेते हैं उसका एक फेस दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो डोमेन है उन सभी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों? एक ही डायरेक्शन में होगा। और कह रहे हैं जो डोमेन है क्यूब फॉर्म में, उसका एक फेस यहाँ पे दिखाएं, इसका साइड लेंथ जो गिवेन है एक्स इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर गिवेन है। कितना बच्चों? 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर 1 × 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। इफ इट कंटेन
8 इंटू 10 टू दी पावर 10 एटम, कह रहा है कि इसमें जो एटम होगा टोटल वह 8 इंटू 10 टू दी पावर 8 होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करेंगे तो 8 इंटू 10 टू दी पावर 8 एटम, एंड इच एटम हैव डाइपोल मोमेंट 9 इंटू 10 टू दी पावर 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, कह रहा है इच एटम जो होगा उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इतना, मतलब ये जो एम होगा एक एक एटम का एम कितना गिवेन है, एक एटम का एम गिवेन है हमें 9 इंटू 10 टू दी पावर 24, 9 इंटू क्या गिवेन है बच्चों 10 टू दी पावर 24 एम्पियर मीटर। अब हमें कह रहा है कि एक एटम का ये गिवेन है और इसमें कितने एटम गिवेन है 8 इंटू 10 टू दी पावर 8, तो एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर इतना, तो क्या इतने का नहीं कैलकुलेट कर लेंगे टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यम इक्वल टू हो जाएगा जितने एटम है इंटू एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम डैश, 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू एम डैश की वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर -24 होगा, -24 ये हो जाएगा 72 इंटू 10 टू द पावर -16। एक एटम का गिवन है और नंबर ऑफ एटम इतना गिवन है, तो टोटल का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ एटम का एक एटम के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें मालूम हो गया। ये पूछा क्या हमें, देन फाइंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, मैग्नेटाइजेशन का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हेंस हमसे आई पूछा है, आई क्या होता है बच्चों यम अपान वी, यम अपान क्या होता है, यम तो मालूम हो गया और एक क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा साइड क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 10 टू दी पावर -16 अपान एक्स क्यूब, साइड का क्यूब कर देंगे 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 का होल क्यूब करेंगे यहाँ 72 इंटू 10 टू दी पावर -16 अपान ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -18, 10 टू दी पावर -18 जब ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर -16 प्लस 18 इक्वल टू 72 इंटू 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, क्या है बच्चों इसका भी यूनिट क्या होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी का यूनिट है।